नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आपका। देखिए, इस वीडियो में हम बीएमसी यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम 200 क्वेश्चन करेंगे इसमें, और ये बेसिकली पहला पार्ट है। तो इसमें 100 क्वेश्चन हैं और बाकी के 100 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जो भी नए हैं भाई, वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वार्ट्जाइट इज़ अ किस तरह की रॉक होती है? सिलिसियस, आर्जेलिसियस, कैल्सेरियस और एक्यूएस। तो इसका सही आंसर होगा सिलिसियस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनरल? तो बसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और साइनाइट में से कौन है जो मिनरल है? तो ध्यान रखिए, क्वार्ट्ज मिनरल में आता है। और सैंडस्टोन इज़ अ, तो सैंडस्टोन किस तरह की रॉक है? अब देखिए, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो क्लासिफिकेशन में फिज़िकल, केमिकल वगैरह कई तरह से क्लासिफिकेशन है। तो एक ही तरह का स्टोन अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन में आता है। तो यहाँ पे जो सैंडस्टोन है वो सेडिमेंट्री में भी आएगा, एक्वियस में भी आएगा और सिलिसियस में भी आएगा। तो यानी सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रॉक? तो अभी हमने मिनरल की बात करी थी, तो यहाँ पे रॉक पूछा है, तो जिप्सम आपका सही आंसर होगा। और क्वार्ट्ज जो होता है वो एक मिनरल होता है। अ हैवी स्टोन इज़ सुटेबल फॉर, तो इनमें से किस में हैवी स्टोन सुटेबल होता है? तो रिटेनिंग वॉल्स, ध्यान रखिएगा, यूज़ हर जगह होता है, रोड्स में भी यूज़ होगा, रबल मेजनरी में भी होगा, लेकिन रिटेनिंग वॉल्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज़ अ मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? तो कौन है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक जिसके सबसे ज़्यादा वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो क्वार्ट्जाइट इनमें सबसे ज़्यादा वेदर रेजिस्टिंग वाली रॉक है। ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, तो 5% से ज़्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तभी वो गुड स्टोन कहलाएगा। Which of the following has more fire resisting characteristics? तो अभी हमने क्या पढ़ा था, weather resisting, यहाँ पे है fire resisting, यहाँ पे आपका sandstone सही आंसर होगा। Jumper is a tool used for, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? Testing of stone, quarrying of stone, dressing या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, quarrying करने के लिए हम यूज़ करते हैं jumper को। Which of the following stone is best suited for construction of piers and abutments of a railway bridge? तो रेलवे ब्रिज के जो पेयर्स और अबटमेंट होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा स्टोन बेस्ट सुटेड माना जाता है? सो दैट इज़ ग्रेनाइट। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, या ये कहें कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 100 मेगा पास्कल। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिट भी ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है यूनिट चेंज कर दे और आपको नंबर भी चेंज होना है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पूरा याद होना चाहिए 100 मेगा पास्कल। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 2.7 इसी के आसपास घूमती है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही क्लिक करना है, 2.5 से लेके 3 के बीच में होनी चाहिए। क्रॉस कट सॉ इज़ यूज फॉर, तो ये एक इक्विपमेंट है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो कटिंग ऑफ हार्ड स्टोन्स, ध्यान रखिएगा, जो हार्ड स्टोन होते हैं उनकी कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्पेलिंग हैमर इज़ यूज्ड फॉर, तो रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, कार्विंग ऑफ स्टोन, ब्रेकिंग स्मॉल प्रोजेक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, जो रफ ड्रेसिंग होती है स्टोन की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज, बिकॉज अब ग्रेनाइट हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कॉस्टली वाला आंसर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मान के क्लिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड हार्ड वुड, ठीक है, तो कौन है इनमें से जिसकी वुड हार्ड होती है? सीसम, ध्यान रखिएगा, देवदार, चीड़, सीसम, पाइन में से ये सीसम सबसे ज़्यादा हार्ड वुड वाला ट्री होता है। द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड्स द पिथ आर नोन एज, तो देखिए यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होता है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। जो हमारे हर्ट शेक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टार की तरह दिखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टार बना के दिखाऊँ, और ये इस तरह से, तो जो ये देखिए आउटर साइड कैसी है, नैरोअर है, और यहाँ अंदर की तरफ कैसा है, वाइड है यहाँ पे। तो ये आपका जो स्टार की तरह दिखता है वो एक्चुअली हार्ट शेक होता है, और यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कैसा पूछा हुआ है, आउटर, जो बाहर की साइड है
आउटसाइड है वो वाइडर है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला आपका स्टार शेक में आता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा स्टार सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्री यील्ड सॉफ्टवुड, अभी हमने पढ़ा था शीशम की तो हार्ड होती है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, लेकिन देवदार होता है सॉफ्टवुड में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, चीड़ और देवदार दोनों सॉफ्टवुड में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स का जो सामान होता है उसको बनाने के लिए कौन सा यहाँ पे वुड यूज़ किया जाता है, तो मलबेरी या मुलबेरी जो भी है ये आपको ध्यान रखना है, ये यूज़ किया जाता है। द डिजीज़ ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज़ कॉज्ड बाय, तो जो उसमें डिजीज़ आते हैं टिम्बर की रॉट में वो किस वजह से आते हैं, लैक ऑफ वेंटिलेशन, याद रखिएगा वेंटिलेशन की प्रोसेस अच्छे से नहीं होती है तो उस वजह से उसमें डिजीज़ आ जाते हैं। प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, यही इसका एडवांटेज होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हर एक डायरेक्शन में सेम होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, तो ग्रेन्स के पैरेलल या 45 डिग्री टू ग्रेन्स, परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स या सेम इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, ग्रेन्स के पैरेलल जब होता है यहाँ पे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है टिम्बर की मैक्सिमम होती है। मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर कितना होना चाहिए, 10-12%। द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस इज नोन एज, जब ट्रंक जो बस्ता है सारी ब्रांचेस को काटने के बाद उसको क्या बोलेंगे, लॉग बोलते हैं उसको। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामिनिंग, तो किस चीज़ को एग्जामिनिंग या एनालिसिस करके हम एक ट्री की एज बता सकते हैं, दैट इज़ एनुलर रिंग्स, जो पेड़ में रिंग्स होती हैं जब आप काटोगे उसको उसमें रिंग्स दिखती हैं तो उन्हें देख के हम उसकी एज बता सकते हैं। द प्लाईवुड हैज़ गुड स्ट्रेंथ अलॉन्ग द पैनल ओनली, कैन बी स्प्लिट इन द प्लेन ऑफ द पैनल, हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लोज देन ऑर्डिनरी वुड, cannot be bent more easily than ordinary wood of same thickness, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है ब्लोज देन ऑर्डिनरी वुड, एक ऑर्डिनरी वुड के कंपेयर में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कॉन्टेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज 15%, जो प्रैक्टिकल लिमिट होती है वो 15% आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ कितनी होती है, मोर देन 10 ईयर्स, ए फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, तो कितने से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए उसके वेट का अकॉर्डिंग बोला गया यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा 20% तो होता है फर्स्ट के लिए, सेकंड क्लास जो ब्रिक है उसके लिए 22 और थर्ड के लिए 25, तो यहाँ पे आपका 20% सही आंसर हो जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए तो ये कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे 10.5 या 10 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब बाकी सेकंड थर्ड की बात करें अगर तो उसके लिए 7 होनी चाहिए और थर्ड के लिए 3.5 कहें या 3 कहें, जो भी आपको याद रखना है, जो भी आपके एग्ज़ाम में होगा उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं, तो 3, 7, 10 याद रखिए, बाकी 0.5 आता भी है तो कोई बात नहीं। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक इज़, तो क्या है उसका मेन फंक्शन, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना एल्यूमिना का मेन फंक्शन होता है। सिलिका का परसेंटेज बताना है एक गुड ब्रिक में कितना होगा, 50-60% होगा, बाकी एल्यूमिना का अगर पूछा हो तो 20-30 होता है एल्यूमिना का, ठीक है, बाकी उसके बाद आ जाते हैं कुछ 3-4% करके, आपको ध्यान रखने हैं सभी। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक कैसे बना देता है, अगर ज़्यादा हम एल्यूमिना डाल दें तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। नॉमिनल साइज पूछा है मॉड्यूलर ब्रिक का, तो नॉमिनल साइज क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड साइज तो 190 90 और 90 होता है, मतलब 190 × 90 × 90, और स्टैंडर्ड में क्या होता है 10 mm ऐड हो जाता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, 200 × 100 × 100 mm, ठीक है, और बी आपका स्टैंडर्ड साइज में आएगा। एक्सेस ऑफ सिलिका इन अ गुड ब्रिक रिजल्ट्स इन, तो जैसे एल्यूमिना के एक्सेस से क्या हुआ, क्रैक्स आ जाते हैं ब्रिक में, तो सिलिका के एक्सेस से क्या होता है, कोहेजन नहीं होता है, लॉस ऑफ कोहेजन, जो
पार्टिकल्स की बॉन्डिंग होती है जो हम उसमें शेप दे सकते हैं वो नहीं दे पाते अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक एनेबल द ब्रिक ऑफ रिटेन इट्स शेप। देखिए वही जो मैंने अभी कहा, सिलिका की वजह से उसमें शेप आती है ब्रिक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इन्ग्रीडियंट्स टू मेक अ ब्रिक इज़ नोन एज। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसमें हम क्ले वाटर और बाकी के इन्ग्रीडियंट मिक्स करते हैं, दैट इज़ नीडिंग। नीडिंग उसे बोलते हैं। पग मिल इज़ यूज फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? क्ले प्रिपरेशन के लिए, क्ले को प्रिपेयर करने के लिए। द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन अ ब्रिक मेजनरी इज जनरली कैप्ट ऑन। तो मेजनरी के दौरान जो फ्रॉग दिया जाता है ब्रिक में जो होता है वो कहाँ रखा जाता है? तो टॉप फेस पे रखा जाता है, सबको पता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्रिक दिया क्यों जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई देते हैं कि उसका एडवर्टाइज़र का नेम देने के लिए या फिर उसका ब्रिक का वेट कम करने के लिए। तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन वो सारे सही दिखते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा वहाँ पर कि प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए, ब्रिक और मोर्टार के बीच प्रॉपर बॉन्डिंग हो सके, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 meter cube ऑफ ब्रिक मेजनरी इज़। तो देखिए इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है 500। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसको निकालते कैसे हैं। नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए आपको ऊपर तो आपको वो वॉल्यूम लिखना है जो दे रखा है आपको, जैसे 1 meter cube है, और डिवाइड कर देना है आपको एक ब्रिक के वॉल्यूम से। और एक ब्रिक कौन सी, उसमें आपको मोर्टार भी ऐड करके चलना है। जैसे 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है, तो आपको उसमें 20 × 10 × 10 करके चलना है, जो एक उसमें एक सेंटीमीटर मोर्टार का ऐड करना है, ठीक है। तो जो आपका 200 mm होता है उसको आप 0.2 करके लिख सकते हैं मीटर में, ऐसे ही 0.1 और 0.1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 500 मिल जाएगा। और इन अदर केस अगर यहाँ पे कुछ और आता है आपका, कोई और वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से हम कर सकते हैं। आगे बात, इसका आंसर आपको 500 हो जाएगा। ग्लेजिंग इज़ यूज टू मेक अर्थनवेयर। तो ग्लेजिंग क्यों यूज़ की जाती है? अर्थनवेयर यहाँ पे इम्परवियस करने के लिए, ठीक है, उसको अर्थनवेयर को इम्परवियस बनाने के लिए। क्विक लाइम इज़, क्विक लाइम क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। क्विक लाइम इज़ स्लो इन सेटिंग, रैपिड इन स्लेकिंग, या फिर दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्विक लाइम सेटिंग में स्लो होता है और स्लेकिंग में फास्ट होता है या रैपिड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बोथ ऑफ दीज। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑप्टेंड बाई बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन, बर्निंग ऑफ कंकर, एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले। तो इसका सही आंसर बी होगा, बर्निंग ऑफ कंकर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम इज, किसकी वजह से आती है? क्ले की वजह से हाइड्रोलिसिटी किसी हाइड्रोलिक लाइम में। तो ध्यान रखिएगा, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, कौन कौन से होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के इंग्रेडिएंट? लाइम और सिलिका। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ध्यान रखिएगा C3A, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए। लीच एटलेट डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो लीच एटलेयर आपका किसके लिए यूज़ होता है? साउंडनेस के लिए। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो कौन सा होता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, C3A। और सबसे पहले जो सीमेंट जमती है इसी की वजह से जमती है, और जो फाइनल होता है वो होता है आपका C2S, यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है। द इनिशियल सेटिंग टाइम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 मिनट होता है, आपको पता होना चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 hours होता है, ध्यान रखिएगा। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ OPC इज़ अबाउट, कितनी होनी चाहिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी? 30%, सोयल में पढ़ा था हमने कंसिस्टेंसी वगैरह, ठीक है, तो ये 30% है। अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? फाइनर ग्राइंडिंग की वजह से अर्ली अटेनमेंट जो होता है स्ट्रेंथ का,
किसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में वो फाइनर ग्राइंडिंग की वजह से होता है। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीज इंक्रीज या सेम या मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर डिक्रीज हो जाएगा, जितना हम सीमेंट को स्टोर करके रखेंगे उतना ही उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ध्यान रखिए सीमेंट को कम से कम स्टोर करें। अकॉर्डिंग टू IS द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC आफ्टर 3 डेज शुड नॉट बी लेस देन 16 MPa। याद रखिएगा कम से कम 16 MPa हो जानी चाहिए 3 दिन के बाद OPC की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एडिशन ऑफ पोजोलोना और टू OPC इंक्रीज। तो पोजोलोना ऐड करने से OPC में क्या इंक्रीज होता है, श्रिंकेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, जिप्सम आपको पता है CaSO4 2H2O करके होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। द स्लंप रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज अबाउट, कितना दिया जाता है 25 to 50 mm हाइट का, ठीक। विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कॉन्टेंट द बल्किंग ऑफ सैंड, क्या होता है पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। ध्यान रखिए मॉइस्चर कॉन्टेंट बढ़ाने से जो बल्किंग ऑफ सैंड है या जो सैंड में बल्किंग है वो क्या होती है, पहले तो बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर मैसिव स्ट्रक्चर। तो मैसिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें ऐसी सीमेंट यूज़ करनी होती है जो जल्दी ना जमे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में टाइम लग जाता है। तो लो हीट सीमेंट ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें C2S थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है ताकि वो देरी से जमे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द बेसिक पर्पज ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट इज, तो रिटार्डर का बेसिक पर्पज क्या होता है, इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना ही उसका पर्पज होता है इसी रिटार्डर का, ताकि वो लेट से जमे। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि मैसिव पर्पज, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन वर्क में तो रिटार्डर यूज़ कर देते हैं ताकि हमारी सीमेंट जल्दी ना जमे, कंक्रीट जल्दी ना जमे, उसको हम सही जगह तक पहुंचा सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेंस मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। अभी मैंने आपको बताया था लो हीट सीमेंट में C2S ज़्यादा डाला जाता है ताकि वो देरी से जमे उस कॉन्क्रीट हमारा। द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, अब रिटार्डर कौन सा यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली कहा हुआ है, तो जिप्सम ध्यान रखिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन द मैनुफैक्चर ऑफ सीमेंट आर्जिलेशियस एंड कैल्सेरियस मटीरियल्स आर ब्रंट एट अ टेम्परेचर ऑफ, किस तापमान पर इनको ब्रंट किया जाता है। आर्जिलेशियस और कैल्सेरियस क्या होते हैं, सीमेंट के दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है 1450 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एडेड टू द क्लिंकर ड्यूरिंग मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस इज, कितना होना चाहिए, 2.5 to 3% जिप्सम ऐड किया जाता है। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू, सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो पहले सेट होती है बाद में हार्ड हो जाती है, किस वजह से, सीमेंट में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनमें हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट। व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज जनरेटेड, इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड आउट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ यार केमिकल रिएक्शन होती होंगी, और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है जो कि है हीट इज जनरेटेड, हीट जनरेट होती है जब भी हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम इज मैक्सिमम 4, किसके लिए ज़्यादा होगा, डायरेक्ट याद रखना है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। ये क्वेश्चन देखिए किस कितनी बार आ गया घुमा घुमा के, तो अगर आपको एक पैराग्राफ याद है कि क्या होता है लो हीट सीमेंट में, कौन से इंग्रेडिएंट ज़्यादा होते हैं, तो आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही लगा ले जाओगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन मीडियम स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट द वाटर सीमेंट रेशो शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए, 0.40 या 40% कह सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। एन एक्सेस ऑफ फ्री लाइम इन पोर्टलैंड सीमेंट, क्या होता है जब एक्सेस हो जाता है फ्री लाइम का, अनसाउंडनेस आ जाता है प्रोडक्ट में या जो भी हमारा मटेरियल है, अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। इफ़ वी पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन अ वाटर कंटेनिंग बकेट अ गुड क्वालिटी सीमेंट विल, देखिए ये एक फिजिकल टेस्ट है सीमेंट का जो हम फील्ड में कर सकते हैं, और सॉरी फील्ड टेस्ट, एक फील्ड टेस्ट है इसका सीमेंट का। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक मुट्ठी सीमेंट को किसी पानी के बकेट में डालते हैं तो वो डूब जाता है,
तभी वो कहलाती है कि वो गुड क्वालिटी की सीमेंट है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, सिंक टू द बॉटम ऑफ द बकेट, तो वो बैठ जाना चाहिए उसमें, वो जो सीमेंट है पानी के बकेट में, ठीक है। अ सैम्पल ऑफ सीमेंट इज सेट टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री लाइम, ठीक है। डायरेक्ट एक लाइनर है वो क्वेश्चन बना दिया है उसमें, जो सीमेंट का सैंपल है उसको साउंड कहेंगे अगर वो डज नॉट कंटेन फ्री लाइम, ठीक है। द सीमेंट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डक्स एंड हार्बर्स इज, कौन सी यूज़ की जाती है, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ की जाती है डॉक्स एंड हार्बर्स में। फॉर ओपीसी द मैक्सिमम एक्सपेंशन बाई लीच एट लेयर्स मेथड शुड नॉट एक्सीड, तो ओपीसी के लिए मैक्सिमम जो एक्सपेंशन है लीच एट लेयर के मेथड में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो लिमिट है, ठीक। द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट इज, तो क्या होता है, पार्टिकल्स को डिस्पर्स करने के लिए हम सुपर प्लास्टिसाइजर को ऐड करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन एन ओपीसी, ओपीसी में जनरली जो इंग्रेडिएंट होते हैं CaO, Al2O3, CiO2 वगैरह, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, CaO तो सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग पूछा है। तो इंक्रीजिंग का मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा जिसका परसेंटेज सबसे कम है, तो यहाँ पे Al2O3 का सबसे कम होता है और CaO का सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन बी आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, SiO2 आपका बीच में आ जाएगा। सुर्खी इज़ एडेड टू लाइम मोर्टार इज़, क्यों सुर्खी ऐड की जाती है, हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। इंक्रीजेस इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, तो फाइननेस अगर बढ़ाएं तो सीमेंट में क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी पे आइए सीधा, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज, यानी कि स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा और श्रिंकेज अपनी लीड करेगा, वो भी अपनी हायर वैल्यू अचीव करेगा, ठीक है, फाइननेस बढ़ाने से। विच एपरेटस इज़ यूज फॉर फाइननेस, फाइननेस के लिए ब्लेंस एपरेटस यूज़ करते हैं हम, और बाकी के लिए देख लीजिए, जो लीच एट लेयर्स फ्लैक्स होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज़ होता है, ऑटोक्लेव आप साउंडनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, साउंडनेस के लिए हम लीच एट लेयर भी यूज़ करते हैं, पीछे भी हमने डिस्कस किया था। वाइकेट एपरेटस हम सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वी बी सीमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन, वी बी सीमेंट क्या डिटरमाइन करने के लिए, वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। लाइम मोर्टार इज़ जनरली मेड विद, किससे बना होता है, हाइड्रोलिक लाइम से बना होता है हमारा लाइम मोर्टार। द टेम्परेचर रेंज ऑन अ सीमेंट किल्न इज़, तो टेम्परेचर रेंज क्या होती है सीमेंट की, जो भट्टी होती है उसमें ध्यान रखिएगा 1300 to 1500। और ब्रिक का भी है एक, तो जब ब्रिक का क्वेश्चन आएगा तब बताऊँगा। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सीमेंट इज़ यूज फॉर मैस कंक्रीट वर्क, तो अभी हमने ये बात की थी पीछे, मैसिव कंक्रीट वर्क के लिए लो हीट सीमेंट यूज़ होता है। लो हीट सीमेंट कंटेंस लोअर परसेंटेज ऑफ, तो लोअर देखिए, हायर परसेंटेज तो C2S का हो सकता है, लेकिन लोअर पूछा है तो C3A का, क्योंकि C3A क्या करता है, उसको जल्दी जमने के लिए जल्दी जमाता है उसको कंक्रीट को, ठीक है। तो C3A हमारा कम होना चाहिए लो हीट सीमेंट में। द क्रैक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें C3A सबसे पहले होता है और C2S सबसे बाद में होता है, ये तो बच्चों को पता होता है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन, हीट का हाइड्रेशन C3A में होगा, C2S में सबसे कम होगा, बट जो बीच के दो हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, तो ऑप्शन ए पे क्लिक ना करें, ऑप्शन डी आपका सही होगा, C3S पहले होगा और C4AF बाद में होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, डायरेक्ट याद करने वाली वैल्यू है 2250। हाँ, इसमें ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो यूनिट चेंज कर दे, मीटर स्क्वायर पर केजी में दे दे, और तब भी आप 2250 करके आ जाओ, नहीं, यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर पर केजी में होगा तो 225 करना है, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में होगा तो 2250 करना है, ठीक है। लॉस ऑफ इग्निशन इन पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट बी मोर देन 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट हैज़ मैक्सिमम परसेंट ऑफ C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, किस में होना चाहिए ज़्यादा, रेपिड हार्डनिंग सीमेंट में, ठीक है। इन चारों के कंपेयर में पूछा है कि किस में C3S ज़्यादा होना चाहिए, यह ज़्यादा होता है तो रैपिड हार्डनिंग में। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो वर्केबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अब
ऑप्शन ए पे क्लिक कर देते हैं कुछ बच्चे जल्दबाजी में, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन होते हैं तो उनको सबको पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, तो जो साइज बढ़ाने से या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने से या फिर राउंड एग्रीगेट यूज़ करने से, तीनों ऑप्शन सही हैं। इन तीनों को अगर हम अप्लाई करते हैं तो वर्केबिलिटी हमारी बढ़ेगी। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। पोर्टलैंड सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग इन अ किल्न द फॉलोइंग मटेरियल, तो लाइमस्टोन और क्ले की बर्निंग से हमें यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट मिलती है। साउंडनेस टेस्ट इज़ डन टू डिटरमाइन इट्स फ्री लाइम कंटेंट, ठीक है, फ्री लाइम कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम इज़ यूज, कौन सा हाइड्रोलिक लाइम यूज़ किया जाता है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे ऑप्टेन किया जाता है, जिप्सम से ऑप्टेन किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया भी था। इसका होता है CaSO4 और जिप्सम का होता है 2H2O, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है सेम फार्मूला होता है, बस H2O के यहाँ पे हाफ मोल आ जाता है, जैसे यहाँ पे 2 मोल है तो इसमें यहाँ पे हाफ मोल आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। आगे बात करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन और बॉक्साइट, बस इतना ध्यान रखिए इन दोनों के मिक्सचर से हमें हाई एल्यूमिना सीमेंट मिलती है। ए गॉज मोर्टार इज़ ऑब्टेंड बाई एडिंग सैंड एंड लाइम, सैंड और लाइम के ऐड से मिलता है, ठीक है। फॉर मरीन वर्क्स द बेस्ट सूटेड सीमेंट, मरीन वर्क्स होते हैं आपके जो समुद्र किनारे काम होते हैं या जो भी मरीन आपको पता ही होगा, उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ये वाली सीमेंट यूज़ की जाती है। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर, कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए सेटिंग टाइम से पहले, कंसिस्टेंसी टेस्ट हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रॉट आयरन होता है प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज़ 420 न्यूटन पर mm square, यूनिट भी ध्यान रखिए, हो सकता है यूनिट ही चेंज हो जाए तो नंबर भी चेंज हो जाता है आगे का, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील कितना होता है, 0.05 से लेके 0.25 तक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा और आपको वैसे याद रखना है 0.05 से लेके 0.25 तक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेल्स, तो रेल के मैन्युफैक्चर में आपकी मैग्नीज स्टील यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए जी, ये थे आपके 100 क्वेश्चन, होप सो आपको पसंद आया होगा सेशन, आपको ज़रूर यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अब उम्मीद है आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।